और अगर अभी आपके घर में उसको कहीं भी ला के आप रखो पब्लिक प्लेस पे, इससे कोई जानवर कोई और ना उसको करके कोई आदमी ना ले। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि खेत से पुलिस जब्त कर रही है, उसी के साथ है मान लो 100 लोग होंगे जब्त करने लगे हो, किसी से कोई निकाल के 2 पाव देखिए पता चलेगा। अगर किसी के घर में है कहीं भी है चुपचाप निकालो भाई। और सबसे डरते हो कि सरकार है प्रशासन है तो आप सरपंच के यहाँ रखते हो, गाँव का ही तो सचिव रहता है कोई, मेरा आप बता दो भाई, पुलिस भी आएगी अभी कुछ नहीं करेगी। अगर कोई स्वेच्छा से दे रहा है तो कुछ नहीं करेगा। लेकिन और ये चीज़ जो हम लोग बोल रहे हैं ना, हर गांव में हम लोग जाके कह रहे हैं, लेकिन आप लोग भी अपने रिश्तेदार नातेदार दूसरे गांव सब जगह सबके रहते हैं सबको खबर कर दो कि भाई अगर दारू रखे हो आसपास जितने हो तो फेंक दो उसको, पुलिस को दे दो, एक्साइज को दे दो, पटवारी को दे दो, सचिव को दे दो, किसी को भी दे दो, सरपंच को दे दो, जमा कर दो, पियो। श्री रूप सिंह प्रदीप भरत राठौर दीपू डेविड राहुल राठौर और विनय राठौर, देश का इंकलाब आपको बुलंद करना है अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, कड़ी मेहनत से। कार्यक्रम के देशव्यापी प्रारंभ के अवसर पर राष्ट्र के नाम संदेश हेतु हम परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कृपा पूर्वक आग्रह करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे बूढ़े जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को
इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी है। आम तौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं, दो दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। ऐसी ही उपलब्धियों के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। भाइयों और बहनों, भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब करीब 3 करोड़ होती है। इन सभी के वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। साथियों, इस टीकाकरण अभियान की पुख्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किए गए हैं, ड्राई रन्स हुए हैं। विशेष तौर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए,
ऐसा गलती मत करना और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग एक महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको यह भी याद रखना है लगाने के दूसरी डोज बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी, इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें, मास्क निकाल कर रख दें, दो गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं मत करिएगा। और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं, जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। साथियों, इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। ये अभियान कितना बड़ा है इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले चरण वाले चरण में टीका लगेगा। आप कल्पना कर सकते हैं 30 करोड़ की आबादी से ऊपर के दुनिया के सिर्फ 3 ही देश हैं, खुद भारत, चीन और अमेरिका, और कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनकी आबादी इनसे ज्यादा हो। इसलिए भारत का टीकाकरण अभियान इतना बड़ा है और इसलिए ये अभियान के सामर्थ्य भारत के आता है। और मैं देशवासियों को एक और बात कहना चाहता हूं, हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। साथियों, भारत के वैक्सीन वैज्ञानिक, हमारा मेडिकल सिस्टम भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वसनीयता है और पहले से है। हमने ये विश्वास अपने ट्रैक रिकॉर्ड से हासिल किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हर हिंदुस्तानी इस बात का गर्व करेगा कि दुनिया भर के करीब 60% बच्चों को जो जीवन रक्षक टीके लगते हैं वो भारत में ही बनते हैं। भारत की सख्त वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से ही होकर के गुजरते हैं। भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सीन से जुड़ी हमारी विशेषज्ञता पर दुनिया का ये विश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन में और मजबूत होने वाला है।
इसकी कुछ और खास बातें हैं जो आज मैं देशवासियों को जरूर बताना चाहता हूं। ये भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती है और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है। विदेश में तो कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसकी एक डोज 5,000 रुपया तक में है और जिसे -70 डिग्री तापमान में फ्रिज में रखना होता है।